Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel. Good morning from Kashmir, Keran, balki good morning from LOC. मैं इस वक्त बिल्कुल LOC के ऊपर खड़ा हुआ हूँ. ये दरिया जो है यही LOC है, उस तरफ इंडियन टेरिटरी है और इस तरफ जो है पाकिस्तानी टेरिटरी है. हमने रात यहाँ पे गुजारी है, दरिया के बिल्कुल पास स्पॉट था, वहाँ पे रात को गाड़ी पार्क कर ली. थोड़ा अंधेरा था और उस टाइम पे व्यू वगैरह विजिबल नहीं था, लेकिन वी हैड अमेजिंग नाइट स्टे. फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था लाइफ में किसी मोटर होम या कैंपर में रात गुजारने का. थोड़ा सा मैं दो आई लाइक द बिल्ड गाड़ी के साथ, मुझे पता है कि मज़ा तो बहुत आना था, लेकिन फिर भी एक हेजिटेशन होती है कि यार रात एक्चुअली गुजरेगी कैसी. बट टर्नड आउट टू बी अमेजिंग. कैंपिंग जो होती है वो बिल्कुल बेयर बेसिक होती है. मोटर होम में आपके पास थोड़ी सी ज़रा लग्जरी फील आ जाती है, आप ज़रा उससे अपग्रेड हो जाते हैं. सुबह उठे हैं, धूप निकली है, पहाड़ों में बड़ी रिफ्रेशिंग फील आ रही है, एकदम ज़रा आपको ना एनर्जी मिलती है. और बॉयज़ जो हैं वो भी सेटल डाउन हो रहे हैं. मैं थोड़ा सा बाहर दरिया के किनारे आ गया था. LOC व्यू पॉइंट है, ये पाकिस्तानी साइड और इस तरफ आप देख सकते हैं ये सारी इंडियन साइड है. पीछे जो है वो इंडियन पोस्ट नज़र आ रही है, इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है. मैं इस जगह पे 2011 में आया था, तब कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़म का इधर इतना था ही नहीं. तो ये और इंडियन वाली साइड पे भी ये वाली पोस्ट और ये चीज़ें तब शायद नहीं थी. और ये इंडियन टेरिटरी वाली साइड में थोड़ी आपको दिखा देता हूँ, ये आपको इंडिया पोस्ट का भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा. और यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, उसके नीचे भी कुछ राइटिंग्स हुई हुई हैं. कश्मीर पोटेंशियल इंडियाज मिशन, कश्मीर शाइन्स इन इंडियाज ब्राइट फ्यूचर, ये भी ठीक है. कश्मीर रूह हिंद. और ये आप देखें, ये टाटा की पिकअप भी आपको नज़र आ रही होगी. तो LOC के साथ साथ चलते हुए उस तरफ इंडियन गाड़ियाँ भी काफ़ी नज़र आती हैं, टाटा महिंद्रा. आज का जो प्लान है वो इतना अभी फाइनल नहीं किया, थोड़ा सा नाश्ते के दौरान ज़रा डिस्कस करते हैं. हमारे पास ऑप्शन है अमरती गली लेक भी आज ट्राई कर सकते हैं जाने का. रास्ता उसका खुला तो हुआ है, लेकिन इस साइड पर इस टाइम पर जाने का एक डाउन साइड ये होता है कि कलर्स जो है ना, जो उसके बिल्कुल खिले हुए ब्राइट कलर्स हैं वो नज़र नहीं आ सकेंगे. तो स्नो कवर्ड होगा पार्शली, या प्रॉबेबली शायद फुली स्नो कवर्ड हो, इस तरह का सीन है. और वैसे हमारी जो डायरेक्शन ऑफ द ट्रिप है डैट इज़ टूवर्ड्स ताओबा. बिफोर वी बिगिन टुडेज ट्रैवल, ये मसला दिखाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है भाई आपका बाज नहीं आएगा ये दिखाने से जब तक हम इसको एक्नॉलेज ना कर लें, सॉल्व आउट ना कर लें. क्योंकि एक्नॉलेज करना ज़्यादा बड़ा इशू है, हम ही में से होते हैं ना वो लोग, बड़े करीबी लोग होते हैं हमारे अक्सर जो ये काम कर रहे होते हैं. अब जब तक वो इसको मानते ही नहीं है कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं, तब तक सोल्यूशन कहाँ से आएगा. सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड थिंक अपॉन. अच्छा जी, केरन से हम निकले हैं ना, तो वी आर बैक ऑन रोड. और ताओबा हम जा रहे थे, लेकिन एक माइंड में किल्ली अड़ी हुई थी रत्ती गली की. जैसे ही रत्ती गली का टर्न आया, हमने बस इंस्टेंट डिसीजन किया, गाड़ी मोड़ ली है लेफ्ट. रत्ती गली का ट्रैक जो लोग आए हैं उन्हें पता है बड़ा एडवेंचरस ट्रैक है, जो नहीं आए उन्हें मैं ज़रा ज़ोर दे के बताता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस ट्रैक है. नॉर्मल फोर व्हील ड्राइव में हम आ रहे होते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं है. उमर भाई ने ट्रैक बहुत मारा है, प्रॉबेबली इज़ द ओनली पर्सन जो यहाँ पर मिनी वैन लेके आए, डाई हार्ट्सू हाईजेट. और उसके बाद यार इमेजिन करो, डाई हार्ट्स वो डब्बा है वो, और उसके बाद सेडान कार.
सेडान K70 980 करोला 90 यार खीर की है। खैर वो तो एडवेंचर हो गया, लेकिन ये वाला जो पंगा है ना, अब ये एक्सपेडिशन व्हीकल ऑफ रोड कैंपर है, इसकी डायमेंशंस का बड़े लोग कहते थे ये कटाइयाँ नहीं करेगी, मोड़ नहीं काटेगी, इस पर शरान फॉरेस्ट हो गया, कुमराट हो गया, सिरीपाई हो गया, और भी काफ़ी ट्रैक कर लिए हैं। मेरे हिसाब से ये गाड़ी सारे टेस्ट में पास है, लेकिन ये वाला रत्ती गली और वाला एडवेंचर इस गाड़ी में पहले हुआ नहीं हुआ। और डेढ़ डेढ़ फुट वाले जो है ना यहाँ पे टोए आते हैं, मनूवरिंग कर्न टर्न्स कट्स जो है ना बड़ा, जो हार्ट बीट है ना, हाँ। जब से मैंने ट्रैक का टर्न लिया आप पीछे बैठे हुए थे, मैंने आपको कहा है वहाँ भाई नेक्स्ट लेवल पंगा हम लेने जा रहे हैं, हाँ। तो मेरी हार्ट बीट उस वक्त की तेज हुई हुई है, लेट्स सी अब क्या होता है। लेकिन वो यही बात है कि कहते हैं ना कि मैं लोगों को एडवाइस नहीं करूँगा कि अगर आपका यहाँ पे रत्ती गली का प्रो लेवल की ड्राइविंग स्किल्स नहीं है तो आप ट्राई करें, और इस तरह की गाड़ी किसी और के पास है ही नहीं तो कोई और करेगा ही नहीं तो वो तो एक चीज़ होगी। अच्छा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो मौके की इंस्टिंक्ट होती है। अब ट्रैक को देखेंगे, हालात देखेंगे, कैसे मतलब है कि सिचुएशन में गाड़ी परफॉर्म कर रही है, रिएक्ट कर रही है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर किसी भी जगह पे लग रहा होगा कि यार अनवांटेड रिस्क है तो वो वहीं पे मिशन अबॉर्ट करेंगे, वापस आ जाएंगे। जो है ना वो ऊपर नहीं, अल्लाह खैर करे, ऊपर रत्ती गली का सफ़र चल रहा है, बाकी ज़िंदगी का सफ़र का कोई पता नहीं यार, अल्लाह ताला सब खैर खैरियत रखे। बाकी ये मामला है कि जा रहे हैं जी, ट्रैक बहुत मज़े का एडवेंचरस ट्रैक है, मैं इस ट्रैक पे पहली दफ़ा आया हूँ, कमाल है, ऑफ रोड का पूरा फ्लेवर है। और मैं कहता हूँ कि सही गाड़ी का ना तारुफ होता है, उसके शजरे का पता चलता है जब गाड़ी इधर आती है। है उमर भाई, मैं कह रहा हूँ गाड़ी तो बहुत मज़ा करा रही है ट्रैक पे, लेकिन ऊपर पहुंच के ना एक दफ़ा सारी फीलिंग डिस्क्राइब करेंगे कि ये कितना बड़ा काम है अगर हो जाए। मैंने इनको बताया कि जय हो गया ये वीडियो फिर जापान ही जाएगी। मुझे खुद इस ट्रैक पे गाड़ी चलाने का बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन मैंने क्योंकि इसका एक्सपीरियंस पहले किया नहीं है कैंपर का, और इन्होंने बनाई है हाथ से, और 5-6 इन्होंने टफ ट्रैक मारे, लेकिन स्टिल दिस इज़ द टफेस्ट ऑफ ऑल। तो इन्होंने ना हॉर्स खुद टेम किया है, नाउ ही कैन हैंडल द सिचुएशन अ लॉट बेटर। लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना इस बिल्ड से, यार ऑफ रोड पे क्या परफॉर्म करेगी, जो भी देखने वाला बंदा है ना वो क्लिप्स में जिस तरह इसने मनूवरिंग की है, जो इसने जंप्स ली हैं, जो वो टायर्स की स्पिनिंग्स, व्हील्स, मूवमेंट, यार कमाल था, बेहतरीन था। एंड दिस इज कितने साल पुराना इंजन है, 50 साल तकरीबन, 80s का है, मतलब 40 यानी कि अबाउट 45 years प्लस पुरानी टेक्नोलॉजी। यार टॉर्क इतना है कि मैं कह रहा हूँ पता नहीं ये पत्थर भी साथ खींच के ले जाए, इतने लोड के साथ कहीं पे भी ना, क्योंकि गाड़ी दो जगह पे या ओवर एक्सेलरेट करता है टायर तब स्किट करती है, या अंडर एक्सेलरेट करता है तब स्किट करती है, स्किट नहीं किया कहीं पे भी टायर, एब्सोल्युटली गोइंग गुड। और बैलेंस जो था वो सबसे बड़ा काम है, बैलेंस जो है वो अगर आप समझते हैं ऑफ रोडिंग को, आप क्लिप्स में देखें जज कर सकते हैं आप अपनी आंखों से। आम बंदा सोचे कि यार इसके अंदर आप बैठे हो ना, जब ऑफ रोड आएगा आप बजोगे एक दूसरे को, बजोगे, यू आर नॉट एक्सीडिंग द सीट डायमेंशंस जिस पे आप बैठे हो, कमाल है।
इंजीनियरिंग और दूसरा ये था कि देखिए कैमरे में वो जो स्टार्ट के ट्रैक्स थे उनको हम डिस्क्राइब आ ही नहीं सकता, कैप्चर नहीं कर, वो जो सैलाब ने लास्ट ईयर रास्ता डिस्टर्ब किया, जो रिसेंटली ट्रैक किया है स्टार्ट ने, अभी तो ये थोड़ा सा ट्रैक उस हिसाब से स्मूथ है पर इतना भी स्मूथ नहीं इतना भी स्मूथ तो वो स्टार्ट में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। और यार पत्थर इतना बड़ा बड़ा आता है, फिर एक टायर जंप करके आगे, फिर रुकना, फिर दोबारा कट मार के फिर दोबारा चलाओ, तो टायर ऊपर हुई है गाड़ी पूरी, टायर उठे हैं यार फ्रंट एक साइड से, लेफ्ट का उठा फिर पीछे का भी एक जगह। अब ये है ना कि इट्स जस्ट लाइक अ बिग एलिफेंट इज टेकिंग अ क्रॉलिंग स्टेप, जब इसने चढ़ना है फिर आने पत्थर, फिर ऐसे 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 गाड़ी ने साथ ही ट्रैक्शन और साथ ही पावर डिलीवरी और साथ ही हैंडलिंग, ना स्टीयरिंग छोड़ सकते हैं, ना पेडल छोड़ सकते हैं, ना आँखें छोड़ सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना एक नज़रिया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, एज अ ट्रैवलर, एज एन ऑफ रोडर एंड एज अ ऑब्जर्वेंट ऑफ लाइफ हाउ थिंग्स हैपन। एक चीज़ में बड़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं अक्सर, हर जो ट्रिप हम गुजार के आते हैं उसका एक पैटर्न, उसका एक सैम्पल ऑफ मोमेंटम या ऑर्बिट, जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं वो रिजेंबल करता है ज़िंदगी के फ़लसफे से बहुत ज़्यादा। कभी भी किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, आइदर ये ट्रिप है या फिर लाइफ में किसी चीज़ के बारे में हम सोच लें कि यार जुनून चाहिए, थोड़ा सा शिद्दत चाहिए, ख्वाहिश का थोड़ा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो तो रास्ते की जितनी जस्तजू है, जतन है, मुश्किलात हैं, उनको आपको टैकल करने में मज़ा आने लग जाता है, आपको ओवरकम करके कंटेंटमेंट मिलेगी और रेजिस्टेंस देख के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी खुद ही नीयत कमज़ोर है, आपका अपना ही यकीन पूरा नहीं है, तो फिर हर मोड़ आपको ऐसा लगेगा कि वो कह रहा है कि वापस मुड़ जाओ, छोड़ दो, ये नहीं होने वाला, जस्ट गिव अप। तो सेम ही जगह को, सेम ही टर्न को, सेम ही हर्डल को देखने के दो नज़रिए होते हैं, वो चीज़ वैसे के वैसे ही होती है, बट इट्स जस्ट आर स्टेट ऑफ माइंड कि अब यहाँ पे होगा क्या। जैसे ज़िंदगी में हर इंसान ने कब्र अपनी अपनी में जाना है ना, कोई किसी की कब्र में जाके नहीं सो सकता, इसी तरह ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हर इंसान को कुछ फैसले और कुछ स्टैंड खुद ही लेने पड़ते हैं, वो आपके हिस्से के कोई और नहीं ले सकता। अब इस बात का रिलेशन बनता है व्लॉग में, नहीं बनता मैंने कर दी है, लेकिन कुछ लोगों के काम आ जाएगी। वही जो हमारी बुरी आदत है लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छी आदत है, बार बार ब्रेक, बार बार स्टॉप, बिकॉज दैट इज द पॉइंट जिस चीज की वजह से यहाँ आते हैं। ये जनाबान के हुस्न को उतर के सलाम करना होता है, सलामी देनी होती है, एक मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इस सीजन में कलर्स कम नजर आएंगे, स्नो होगी, आगे जाके होगी, लेक की एक्सेस उस तरह नहीं होगी, लेकिन स्टिल
हर सीजन में अलग रंग है, अलग फ्लेवर है, हमारे लिए हर चीज की ट्रीट है। रात को जो मैं आपको प्लान कैंसिल करने का बोल रहा था ना, मैंने कहा जो रत्ती गली के कलर्स हैं ना वो नहीं होंगे। जब वो साकिब भाई की वीडियो देखी मैंने, तो वो उसी वक्त ट्रैक करके आए हुए थे, तो मैंने कहा यार ये तो कवर्ड है, मज़ा नहीं आया। और सुबह उठ के एक नया रंग देखने को मिला, वो रात की फील थी ना। लेकिन मेरा जाती तौर पे ये मानना है कि हर सीजन का अपना कलर है। जब हम एक दो सीजन एंजॉय कर चुके हैं ना, गाड़ी आ रही है, अब क्रॉसिंग फिर कराते हैं, चारों कलर एंजॉय करें। बाकी भाई क्या क्या रंग है आप देखे, सुभान अल्लाह, अलास्का भी नज़र आ रहा है आपको, साइबेरिया भी नज़र आ रहा है, मंगोलिया भी नज़र आ रहा है, पामीर, पाकिस्तान, कश्मीर, क्या क्या। अब इस जगह के ऊपर मेरा जो जज्बात है ना, मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। नज़ारा बताने की ज़रूरत है या आपको समझ आ रही है? आ रही है समझ? ये गाड़ी है ना उमर भाई, कैंपर प्यारे होते नहीं हैं, पर ये बहुत प्यारा है। तो कहते हैं ना कि वो आ रही थी, मैंने उसे पहचान लिया। ये गाड़ी जब पहली दफ़ा देखी थी, उसके बाद जब हम इसके साथ एक्सपीरियंस किया ना यार, इसे पहचान लिया। ये बड़ा करेक्टर है मेरे जहन में, जो अभी इसका नाम आया ना अपाची, बताए हाई एल्टीट्यूड, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर, मिल्ट्री ग्रेड का लंबा हेलीकॉप्टर, मिल्ट्री ग्रेड का, एक्सपेडिशन ग्रेड का लंबा कैंपर, फुल फोर व्हील। आप उसकी लुक तो चेक करें यार, ऐसे जैसे शेर बैठा होता है। क्योंकि कैंपर के अंदर कैंपर बन जाता है यूटिलिटी के लिए, उसकी लुक नहीं निकलती, उसकी वो जो है ना सोल वाली फील नहीं आती। इस गाड़ी ने हर टेस्ट पास कर लिया, और यहाँ पे आके इसके साथ खड़े होकर जो फीलिंग आ रही है ना, दैट इज़ प्राइसलेस। बनाई इन्होंने जापानियों ने लैंड क्रूजर, लेकिन पाकिस्तानियों ने देखे इसको कहाँ पहुँचा दिया। ठंड होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी महसूस नहीं हो रही है। जैकेट शैकेट फिर भी पहन लेंगे, क्योंकि आ गया तो बहुत ज़्यादा होगा, है यहाँ पे भी, पर फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है। गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल जो है ना ट्रैक्शन लूज़ कर गई है, क्योंकि ट्रैक अब मडी हो गया है। एट दिस पॉइंट इज़ यहाँ से वो चीज़ आ गई जो मैं कहता ना कि अनवांटेड रिस्क हम ना लें, तो वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन फिलहाल गाड़ी को हमने सीधा करना है रिकवरी के लिए। ट्रैक्स जो है वो उमर भाई ने पूरा सामान तो गाड़ी में लगाया हुआ है, इसको थोड़ा सा यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि गाड़ी जिस एज के ऊपर आके खड़ी है ना, पीछे ज़रा बहुत बड़ी स्लोप है और टोटल मडी है। ये जो यहाँ से भी गाड़ी निकाली है ना, इस ट्रैक से जो गाड़ी अभी निकाली है हमने, वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, लेकिन अखीर ही रिकवरी हुई है। हमने धक्के लगा के उसकी अलाइनमेंट सीधी की है, फॉरवर्ड बैकवर्ड से गाड़ी का पेस बना के निकाला।
देखिए क्या सीन बना है, दैट इज टू मच ऑफ एडवेंचर। ट्रैक्शन लूज कर गई थी, कोई बात नहीं। फाइनली हम बेस कैंप पे पहुंच गए, और यूजली मुझे कोई ड्राइवर वैसे पसंद नहीं आता, ना ही मैं किसी की ड्राइविंग से इतना इंटरेस्ट होता हूँ, लेकिन बंदे ने आज कमाल की है और वाकई कमाल की। दिस मैन मेड हिस्ट्री टू टाइम्स बिफोर एज वेल, बताया था पहले थर्ड हिस्ट्री हैट्रिक हो गई। Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. यार आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही कि ये माहौल क्या बना हुआ? अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो भाई एक दफा फिर जोन सा ना। अब आपको आखिरी व्यू दिखाने के लिए ना डे लाइट चली जानी है, मैं लास्ट आपको व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि बार बार दिखाता हूँ मेरी कोशिश होती है जो हम महसूस कर रहे हैं वो आप कर लें घर बैठे सोफे पे लेटे हुए। ये आपका भाई चढ़ा यहाँ पे और दुनिया अपनी। अब Just look at this feel. अब इस फील को आप इमेजिन करें, इस विल्डरनेस को, ऐसे जो जैसे ना जलसे में खिताब करने वाला जोश आ जाता है, वो फील अंदर से निकल के आ रही है यार। सच 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 अ ट्रीट फॉर आईज, नॉट ओनली फॉर दिस टाइम। ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, एक्सपीरियंस अपना रिकॉर्ड करता हूँ, डॉक्यूमेंट करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको खुद भी देख के बाद में मैं वो इन्जॉयमेंट वो प्लेयर लेता हूँ। मैंने आपको एक दफ़ा कहा था ना कि मेरे लिए डबल ट्रीट होती है। आई लिव द मोमेंट ट्वाइस, वंस हेयर जो कि प्राइमरी मोमेंट है, सेकेंडरी दोबारा जब एडिट होके वीडियो अपलोड होगा तब सीन ही और होगा। ये चेक करें आप, स्काई लाइन, पहाड़, बादल, आसमान की ट्रांजिशन ऑफ कलर्स, मून उस तरफ से सूरज की जो ऊपर ऊपर लाइट पड़ रही है, स्नो चमक रही है, और ये जी बॉयज़ खड़े हैं लोकल जिन्होंने अभी हमें बड़ी सर्विस दी है। अब खाना आपने ज़बरदस्त देना, अच्छा हुआ, अच्छा ना अच्छा हुआ तो भी बताऊँगा। लव यू, जज़ाकअल्लाह। बाकी है कि हमेशा ये होता है जो बहुत ज़्यादा लाइक आउटडोर्स लाइफ, कैंपिंग लाइफ, जो कि मैंने पहले बहुत ज़्यादा की नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना बढ़ा रहा हूँ और उस चीज़ को इन्जॉय कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब एक जगह पर आप आते हो, जल्दी चले जाते हो, ठीक है आप उसको इन्जॉय करते हो, लेकिन उसके अंदर सेटल डाउन हो के एब्जॉर्ब करना, नेचर के साथ ब्लेंड इन होके अपने आप को ना हार्मोनाइज करके मिक्स हो जाना, ये वाली चीज़ होती है जब आप थोड़ा सा वक्त देते हैं एक जगह के ऊपर आके। एक घंटा हो गया मैं आए हुए, अब इमेजिन करें कि हम यहाँ पे 10-12 घंटे गुजारेंगे, तो हम यहाँ की ट्रांजिशन देखेंगे, हम यहाँ की रात देखेंगे, यहाँ की सुबह सनराइज़ देखेंगे, तो डैट इज़ एक्सपीरियंस। और फिर इस जगह के ऊपर आके जो फीलिंग आएगी उस दौरान हमारी जो आपकी कंपनी होगी, जो बातें होंगी, वो चीज़ है जो गेम उठा देती है। जो व्यू है ना, मेरा इससे दिल नहीं भर रहा, यकीन करें हर बदलते पल इसका नज़ारा और होता जा रहा है। मुझे ना ज़िंदगी में हर चीज़ करने के शौक है,
जैसे अभी कुछ दिन पहले दुबई में उधर स्काई स्क्रैपर्स देख रहे थे, बाकी चीज़ें देख रहे थे, मेट्रोपॉलिटन लाइफ बुर्ज खलीफा को देखते हुए सो रहे हैं। इसी तरह मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, हर तरह की चीज़ मैंने देखी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं दे आर द लाइक ड्रग ऑफ माई चॉइस, वो नेचर बहुत ज़्यादा उसमें। विल्डरनेस पहाड़ों से थोड़ी सी खास दोस्ती है, डेजर्ट शेजर्ट इस तरह की चीज़ें भी पसंद हैं। इवन दो कि हम पंजाब से हैं तो अपने जो देहाती इलाके होते हैं, फसलें होती हैं, उधर भी जाके एक ना मज़ा आता है। और ये कलंदरी शौक भी है और ये नवाबी शौक भी है। लोग समझते हैं ना नवाबी आती है जी बड़े असर रसूख से, रिसोर्स से, वसाइल से, पैसे से। नवाबी दो चीज़ों से आती है, एक आपके खून से और एक आपके शौक से। शौक नवाबी होना चाहिए, ये दुनिया का पहला और आखिरी शौक है। कलंदरी शौक भी ये है, आके मिट्टी के साथ मिट्टी होके बैठ जाओ, और नवाबी शौक भी ये है कि मिट्टी के साथ मिट्टी होके बैठ जाओ। अगर आप देखोगे आज सऊदी का बादशाह, फलाने का बादशाह, उसका सबसे आखिरी नशा क्या है, वो डेजर्ट में जाके कैंप लगा के बैठ जाएगा। जिसके पास हज़ार निसान पेट्रोल हैं पाकिस्तान के डेजर्टों में जिनकी खड़ी हैं, उनका भी आखिरी नशा क्या है, रेत पर आके बैठ जाना। आखिर में करना वही है काम, वही ताड़ा भरा कर रहा है। तुसी भी बहुत सारे कर दे, उन्हें जो नहीं कर दे उन्होंने मैं इंस्पायर कर रहे हैं, बट ऑलवेज ऑलवेज आई ऑलवेज इंस्पायर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। कैसी वाइब आ रही है वहाँ भाई? स्विट्जरलैंड वुडन कैबिन, खामोशी, बाहर सफ़ेद चादर, बाहर विल्डरनेस है, अंदर जो है कूजी कैबिन है। ज़रूरियात ज़िंदगी की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दे दी अंदर, अब ज़िंदगी सेट है। बस आपको चाय पिलाकर पिलाते हैं। How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like... यार ऐसे नज़ारे ना मैं देखा करता था, साइबेरिया की वीडियो, फलानी जगह की वीडियो, कलर बाहर स्नो है, अंदर लाइटें और चल रही हैं, कूजी। ये देखो यार, ये माशाल्लाह पाकिस्तान में माहौल क्रिएट हुआ हुआ है, और मैं इसका बहुत क्रेडिट दूंगा वो बंदे को जो आगे चाय पी रहा है। वेरी नाइस शुक्रिया भाई जान। मैं आपको तब तक क्रेडिट देता रहूंगा जब तक पूरा पाकिस्तान खड़ा होकर नहीं कहेगा वाह उमर भाई क्या किया आपने, मैं इनको याद कराऊंगा। Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Until winter comes, it really makes me wonder.